क्षेत्र से जहां पब्लिक पार्क बदहाल है। पब्लिक पार्क में जू को माचिया सफारी पार्क में शिफ्ट करने के बाद पार्क की अनदेखी की जा रही है। नगर निगम पार्क के रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दे रही। जनता कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन समस्या जस की तस है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, पब्लिक हाल की बदहालीन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही है। पार्क जो कि अपनी ग्रीनरी के लिए जाना जाता है और इसीलिए उसे पार्क कहा जाता है, वहां पर केवल अव्यवस्थाओं और उजाड़ के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। बिल्कुल पूजा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जोधपुर का ये पब्लिक पार्क कभी यहाँ जू होने के कारण से चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज की तारीख में प्रशासन की उदासीनता का शिकार है। हमारे साथ महिलाएं हैं विशेष तौर से, जो लंबे समय से इस पार्क में महादेव मंदिर में आती है, उनसे ही बात करते हैं। किस तरह की आप लोगों को यह समस्या हो रही है, क्या मानते हैं आप, बताया। मैं जोधपुर से रेखा भाटी। सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ पे शौचालय की सुविधा नहीं है और मॉर्निंग वॉक में जो भी आते हैं उनको कोई यहाँ पे सुविधा नहीं मिल रही है। प्लस इसके अलावा जगह जगह पे यहाँ पे गंदगी, जगह जगह पे यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है और आने वाले हर कोई यहाँ पे आता है और अपने हिसाब से गंदगी करके चला जाता है। तो सबसे यही गुजारिश कि एक दो गार्ड या 10 गार्ड यहाँ पे कम से कम होने चाहिए, जिससे यहाँ पे सुविधा हो और आने वाले सभी को इसका लाभ मिल सके। पूजा, बड़ी बात और मैं बताना चाहूंगा, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसका यहाँ आवारा कुत्ता शिकार कर लेते हैं। आवारा कुत्तों के शिकार से कितने मोर मर जाते होंगे रोज यहाँ पर? हर एक दो दिन के अंदर एक मोर मर जाता है, कुत्ते मार देते हैं उसको। और कुत्तों की संख्या करीब 100-125 की संख्या है कुत्तों की। और यहाँ गार्डन के अंदर रोज खड्डा खोद के एक मोर को है ना बूर आ जाता है। तो पूजा देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर है जो रोज यहाँ कुत्तों का शिकार हो जाता है। कुछ लोग और हैं जिनसे जानते हैं, किस तरह की समस्या आप पार्क में देखते हैं? काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ पर। जोधपुर के आम नागरिकों की सुविधाओं के हिसाब से जोधपुर शहर के बिल्कुल हृदय स्थल पर यह पार्क स्थित है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं। यहाँ पर पास में देखिए विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं। पास में ही जनाना गार्डन में दरगाह भी है। सभी धर्मों के हिंदू मुस्लिम समुदाय के सभी लोग शांतिपूर्वक मैत्रीपूर्ण ढंग से यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पर स्थिति बहुत भयावह हो गई है। जगह जगह देखेंगे आप पार्क में, गार्डन में कहीं पर भी धूप नहीं है, घास नहीं है। सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पर व्यायाम के लिए आते हैं, सड़कें सारी टूटी फूटी है, आवारा पशु घूम रहे हैं, आवारा मन चले लड़के यहाँ पर गाड़ियाँ लेकर घूमते रहते हैं। प्रशासन की तरफ से कोई एक सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं है। महिलाओं की सुरक्षाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल इसकी इस गार्डन के बिल्कुल दीवार से सटा हुआ भी राजस्थान हाईकोर्ट है, लेकिन यहाँ पर किसी को इसकी परवाह भी नहीं है, ना श्रद्धालुओं की ना आम नागरिकों की। आप देख ले पीछे, मेरे पीछे आवारा पशु कुत्ते घूम रहे हैं वहाँ पर। हर तरह से इसको मतलब इग्नोर कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा, कोई भी तरह की सुविधा यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल पूजा, जो है प्रशासन की तरफ से उदासीनता के चलते हुए पार्क है जो अपनी दूरी व्यवस्था पे आंसू बहा रहा है और कुछ लोग है, किस तरह से आप देखते हैं पार्क में किस तरह की अव्यवस्था है यहाँ पर? देखो, पहले सर्वप्रथम तो जो सरकार का एक संकल्प था हरित राजस्थान, वो पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। आप देख पा रहे हैं जहाँ हमेशा लाखों लोग एक घूमने आते हैं, शुद्ध वातावरण की हवा के साथ सुबह सुबह भ्रमण करने आते हैं, वहाँ इतनी दुर्दशा खराब है। आप इस पार्क के अंदर, जोधपुर में बहुत ही अच्छा पार्क है, पब्लिक पार्क जिसको बोलते हैं, यहाँ की हालत इतनी खराब है जिसकी कोई सीमा नहीं। और दूसरी ओर अधिकारियों से बात करते हैं तो सारे के सारे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, उनको सिर्फ भ्रष्टाचार से मतलब है। जिस प्रकार से हम लगातार 7-8 दिनों से देख पा रहे हैं, रोजाना अखबारों में पूरी गैंग के गैंग आ रही है भ्रष्टाचारों के, तब इनसे क्या आस रखे सरकार? जोधपुर का ये पब्लिक पार्क अधिकारियों की उदासीनता के चलते लगातार बदहाली का शिकार हो रहा है और एक के बाद एक कई शिकायतें की जाती है, उसके बाद भी कोई कर्मचारी कोई अधिकारी ध्यान देने को तैयार ही नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरुण आपका।